आज फिर से मैथमेटिक्स में हम लोग उपस्थित हैं और आपको सभी बच्चों को याद भी होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो क्लास ट्वेल्थ में प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोग कर रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 13.4 पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो 13.4 एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, सॉरी 9 तक सॉल्व किया था, 10th नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने, आप भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक न्याय सिक्के की तीन उछालों पर एक न्याय सिक्का है, नया सिक्का है और अनभिनत सिक्का है, ऐसे सिक्के को हम न्याय सिक्का कहते हैं। तीन उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। सिक्का बेटा आपने कितनी बार उछाला? 3 बार, और उसमें चितों की संख्या का माध्य बताना है। अगर बेटा आपको चितों की संख्या का माध्य बताना है तो चितों की संख्या का सबसे पहले प्रायिकता बंटन बनाना पड़ेगा। चितों की संख्या के प्रायिकता बंटन से आप उसका माध्य, जिसे आप प्रत्याशा भी कहते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक सिक्के को तीन उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य, तो स्टार्ट करते हैं। यादृच्छिक चर, यहां जो भी यादृच्छिक चर के बारे में हमको जानकारी दी गई है उसको मैं यहां नोट कर लेता हूं। यादृच्छिक चर एक्स के बारे में जानकारी दी गई है कि न्याय सिक्के की तीन उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या, न्याय सिक्के की तीन उछालों पर चितों की संख्या, ये जो सिक्का होगा उसकी तीन उछालों पर हमें चितों की संख्या लेनी है। केवल हेड्स का नंबर लेना है, टेल्स के नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिए चर एक्स क्या हमें दिखाएगा? सिक्के की तीन उछालों पर चितों की संख्या। इसलिए एक्स के संभावित मान, अब हम ये चेक कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिरकार एक्स के संभावित मान क्या होंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, 3 बार उछाला गया सिक्का है और उसमें चितों की संख्या को मुझे लिखना है। तो आप ऑलरेडी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं तो फिलहाल आपको अब एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर सिक्के को 3 बार उछाला है तो उसमें हेड्स आने की क्या चांसेस होंगे। 3 में से हो सकता है 1 बार भी हेड ना आए तो उसके लिए मैं 0 नोट करूंगा। 3 में से हो सकता है किसी 1 बार हेड आ जाए तो मैं 1 नोट करूंगा। 3 में से 2 हेड आ सकते हैं तो 2 लिखूंगा। और बेटा हो सकता है 3 में से तीनों हेड आ जाए, 3 में से तीनों चित आ जाए। लेकिन अब इसके बाद भैया ये तो नहीं हो सकता ना कि 3 बार उछाला है सिक्का तो 4 हेड आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 3 तक ही हमारे एक्स की संभावित मान रहेंगे। अब इनसे संगत प्रायिकताएं मुझे चाहिए। बात चितों की हो रही है तो सबसे पहले मैं यह फाइंड आउट कर लेना चाहूंगा कि सिक्के पर 1 चित आने की क्या प्रायिकता होगी। सिक्के पर 1 चित आने की प्रायिकता, 1 चित आने की प्रायिकता, सिक्के पर 1 चित आने की प्रायिकता, अगर मैं पी उसको लिख लेता हूं तो सभी बच्चे जानते हैं कि सिक्के पर 2 कुल परिस्थितियां होती हैं जिसमें चित एक जगह पर होता है, तो चित आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और सिक्के पर 1 पट आने की प्रायिकता भी सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 1/2 होती है। सिक्के पर 1 चित आने की प्रायिकता 1/2, 1 पट आने की प्रायिकता भी 1/2। ओके, अब मैं एक्स के संभावित मानों के संगत उनकी प्रायिकताएं फाइंड कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 मींस व्हेन द रैंडम वेरिएबल इज 0 एट दैट सिचुएशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी। एक्स बराबर 0 होने का क्या मीनिंग है?
तो बेटा x का मान जीरो होने का मतलब है कि तीन उछालों पर जीरो चित आए हैं। अब तीन में से जीरो चित आने के लिए सबसे पहले मुझे 3C0 करना होगा। लास्ट लेक्चर्स में आप ये देख चुके हैं। अब जीरो चित आए हैं, एक चित के लिए p, तो जीरो चित के लिए p^0। अब आप खुद बेटा याद करिए कि अगर आपने तीन बार सिक्के को उछाला और उसमें से जीरो बार चित आया तो पट कितनी बार आया होगा? पट तीनों बार आया होगा। जीरो बार चित आने का मतलब है एक बार भी चित नहीं आया। अब तीन में से अगर एक बार भी चित नहीं आया तो तीन के तीनों बार पट आया होगा। अब एक पट के लिए q, तो तीन पटों के लिए q^3। ओके, इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। NC0 की वैल्यू 1, तो 3C0 की वैल्यू भी 1, p^0 1, q^3 1/2^3 करेंगे 1/8। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज 1/8। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मींस सिक्के की तीन उछालों पर एक चित, तीन में से एक चित मींस 3C1 सबसे पहले, क्योंकि तीन उछाले हैं उनमें से इस एक बार चित आया, इस एक बार चित आया या इस एक बार चित आया, आई डोंट नो, इसलिए मुझे 3C1 लेना पड़ता है। वो चांस जिनमें से तीन में से एक बार चित आया। अब एक बार चित आया, एक बार चित के लिए प्रोबेबिलिटी है p, तो मैं p^1 ले सकता हूं। अब अगर बेटा एक बार चित आया है तो पट कितनी बार आया होगा? तो आपने सिक्का कितनी बार उछाला? तीन बार, उनमें से किसी एक बार चित आ गया तो बाकी दो बार पट आया होगा। एक पट के लिए q, तो दो पट के लिए q^2। 3C1 की वैल्यू NC1 की वैल्यू n, तो 3C1 की वैल्यू 3। p^1 मींस 1/2, q^2 q 1/2^2 करेंगे 1/4। आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 3/8। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब आप बेटा सब समझते हैं, मैं इसे जल्दी से नोट कर देता हूं। x इज इक्वल टू 2 मींस तीन में से दो चित, अब दो चित है, एक चित के लिए p, तो दो चित के लिए p^2, तीन में से अगर दो चित है तो एक पट होगा, एक पट के लिए q^1। 3C2 की वैल्यू बेटा वही होगी जो 3C1 की होगी। क्यों? इसके लिए कल मैंने एक फॉर्मूला भी आपको याद दिलाया, NCR = NCn-R। अगर इस फॉर्मूले की हेल्प ले तो 3C2 की वैल्यू निकालेंगे, 3C2 = 3C3-2 means 3C1, और 3C1 की वैल्यू 3, then 3C2 की वैल्यू भी 3। p^2 1/2 करेंगे 1/4, q^1 1/2 कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम 3/8। अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, हम इसको लिखेंगे 3C3 p^3 q^0। तीन में से तीन बार चित, 3C3, एक चित के लिए p, तो तीन चितों के लिए p^3। अगर तीन में से तीनों बार चित आया तो एक बार भी पट नहीं आया, यानी कि q^0। 3C3 की वैल्यू वही जो 3C0 की, आप फिर से वहां से देख सकते हैं 1। p^3 means 1/8, q^0 means 1, this will become 1/8। सबके संगत प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इनके संबंधित प्रायिकता बंटन बना लेते हैं। अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी फिर से,
जिसमें रैंडम वेरिएबल एक्स और प्रोबेबिलिटीज का जिक्र होगा। तो यहां मैं रैंडम वेरिएबल ले लूंगा, यहां उनके संगत प्रायिकताएं ले लूंगा। 0, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे। रैंडम वेरिएबल्स हैं 0, 1, 2 और 3। 0 के संगत प्रायिकता 1/8, 1 के संगत 3/8, 3/8 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/8। यहां के बाद एक बार हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बना है या नहीं सही बना हुआ है। आप कैसे चेक करेंगे? सभी बच्चों को यह मेथड तो पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबका डिनोमिनेटर सेम है, मैं न्यूमिरेटर को जोड़े देता हूं। 1, 3, 4, 3, 7 और 1, 8। 8/8 आ जाएगा। इट मींस आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। ओके, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। तो बेटा याद करिए, माध्य मीन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले मीन का सिंबल क्या है, म्यू भी सिंबल है। मीन को हम ई ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, पूरा बेसिक पढ़ा हुआ था, उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था, सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू एन। ओके, मींस एक्स और उनके संगत प्रायिकताओं का गुणनफल करते जाइए और फिर सबका सम कर दीजिए। चलिए मैं वही कर देता हूं। 0 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, प्लस 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 3/8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन सबको ऐड कर देना है आपको। ये टर्म तो पूरी तरह से जीरो हो गया। दिस विल बिकम 3/8, दिस इज 2, 3 जार 6/8, दिस इज 3/8, 3, 6, 9 एंड 3, 12, 12/8। यू कैन कैलकुलेट दिस नंबर। 4 × 8, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 8। अब 3/2 को कैलकुलेट करिए, 2 का भाग 3 में दिला देंगे, इट विल बिकम 1.5। इट मींस द मीन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.5। म्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1.5 हियर। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कैलकुलेट किया। आप याद रखें एक्स के ये मान आए, उनके बाद हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली, उनसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमको मीन चाहिए था, तो मैंने मीन का फॉर्मूला लगा करके उसको कैलकुलेट कर दिया। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ लेंगे अगर तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मैं भी पढ़ूंगा, वहां भी आपको मौका मिलेगा उसको देखने का, उसको सुनने का, समझने का। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, दो पासों को युग्मत उछाला गया। दो पासों को युग्मत, दो पासों का तो मतलब दो पासे, ठीक है, युग्मत मतलब जोड़े से। दो पासे थे मेरे पास, दोनों को एक साथ मैंने उछाला उनको। यदि एक्स 6 आने की संख्या को व्यक्त करता है, जो कैपिटल एक्स है वो 6 आने की संख्या को व्यक्त करता है, तो एक्स की प्रत्याशा आपको ज्ञात करनी है। प्रत्याशा मींस बेटा माध्य आपको ज्ञात करना है। फिर से इस बार तो क्या हुआ है, दो पासे उछाले गए हैं और उनमें उन पासों में 6 आने की संख्या को व्यक्त करता है हमारा एक्स। तो सबसे पहले मैं यादृच्छिक चर को ही लिख देता हूं, इससे हम सबको काफी सुविधा होती है। यादृच्छिक चर के बारे में क्या बताया गया है, एक्स किसको व्यक्त करता है, तो बुक में मैंने देखा लिखा है दो पासों की उछाल में एक्स 6 की संख्या को व्यक्त करता है।
मैं इसको लिख देता हूं, दो पांसों की उछाल में छह की संख्या। पांसे पर आप सभी बच्चे जानते हैं एक से लेकर छह तक की सभी संख्याएं लिखी होती हैं, लेकिन x एक दो तीन चार और पांच की संख्या को व्यक्त नहीं करता। यादृच्छिक चर हमारा जो है वो दो पांसों की उछाल में छह की संख्या को व्यक्त करता है। अब अगर ये छह की संख्या को व्यक्त करता है तो हम x का संभावित मान नोट कर सकते हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं हम उसको देख सकते हैं। कैसे, पासे को कितनी बार उछाला बेटा आपने, दो बार। देखिए चाहे आप दो पासे एक बार उछालिए या एक पासा दो बार उछालिए, एक ही बात है। तो आपने दो पासे उछाले हैं और उसमें दो पासों की उछाल में छह की संख्या लेनी है। अब क्या संभावनाएं हैं आप खुद सोचिए। दो पासों को उछालने में बेटा हो सकता है कि दो पासों में से एक भी पासे में छह ना आए, हो सकता है नहीं हो सकता आप खुद सोचिए। हो सकता है एक में भी छह ना आए, यानी कि जीरो बार जीरो में छह आ जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो दो पासे आपने उछाले उनमें से एक पासे पर छह आ जाए, एक पे ना आए तो एक पे छह आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दो में से दोनों पासों पर छह आ जाए, अगर आपकी किस्मत बहुत जोरदार है तो दोनों पासों पर भी छह आ सकता है। ठीक, तो ये एक्स के संभावित मान है, लेकिन इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि दो पासे उछाले और तीन छह आ जाए। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा कभी हो सकता है, ना तो हुआ है ना कभी होगा कि पासे आप दो ही उछाले और छह तीन हो जाए, पॉसिबल नहीं है, इंपॉसिबल। तो एक्स के संभावित मान क्या निकले, हो सकता है दो में से एक भी छह ना आए, हो सकता है दो में से एक छह आ जाए, हो सकता है दो में से दोनों छह आ जाए। ठीक, अब हम प्रायिकताएं पता लगानी है इनसे रिलेटेड, लेकिन उससे भी पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि अगर पासे पर एक छह आता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। थोड़े ध्यान से देखें, पासे पर एक छह आने की प्रायिकता, क्योंकि इसकी भी जरूरत मुझे पड़ने वाली है, एक छह आने की प्रायिकता मैं P मान लेता हूं। आप समझ सकते हैं पासे पर सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी, पासे पर टोटल कितने नंबर्स होते हैं, सिक्स। सिक्स कितनी जगह लिखा होता है, एक जगह, तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 1/6। और पासे पर सिक्स ना आने की प्रायिकता क्या होगी, सिक्स ना आने की प्रायिकता, सिक्स ना आने की प्रायिकता को हम क्यू ले लेते हैं, दैट इज 5/6। उसके लिए आप 1 में से 1/6 को माइनस भी कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मींस जब एक्स का मान जीरो है उस समय प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जब दो पांसों में से एक भी पांसे में छह न आने की प्रायिकता, दो पांसों में से जीरो बार छह आने की प्रायिकता, जीरो पांसों में छह आने की प्रायिकता, तो दो पांसे उछाले गए और जीरो बार छह आने की प्रायिकता, दो में से जीरो बार, तो 2c0 सबसे पहले। अब एक पांसे पर छह आने की प्रायिकता p है, यहां पर तो जीरो छह आए हैं तो पी टू दी पावर जीरो। तो बेटा अगर दो में से जीरो बार छह आया है तो कितनी बार छह नहीं आया होगा, इसका मतलब है, अब देखिए दो पासों में से एक में भी छह नहीं आया, इसका मतलब दो एक में भी छह नहीं आया है, इसका मतलब है दोनों में छह के अलावा कोई नंबर आया होगा। तो दोनों में छह नहीं आया है तो एक में छह ना आने की प्रायिकता क्यू, अब दोनों में छह ना आने की प्रायिकता क्यू टू दी पावर टू, 2c0 की वैल्यू 1, p टू दी पावर 0 1, q टू दी पावर 2 इज 25/36, 25/36 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 दो में से एक छह आने की प्रायिकता,
दो में से एक क्षय, अब एक क्षय आने की प्रायिकता पी टू दी पावर वन। अब दो में से बेटा अगर एक क्षय आया है तो एक क्षय नहीं आया होगा, एक क्षय ना आने के लिए क्यू टू दी पावर वन, टू सी वन इज टू, पी टू दी पावर वन इज वन बाई सिक्स, क्यू टू दी पावर वन इज फाइव बाई सिक्स। प्लीज कैलकुलेट इट, फाइव टू आर टेन अपॉन 36। नाउ द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, दो में से दोनों छह आने की प्रायिकता, दो में से दो बार छह आ जाए तो 2c2। अब दोनों में छह आ गया है, एक में छह आने की प्रायिकता p, दोनों में छह आने की प्रायिकता p टू दी पावर 2। अब अगर दो में से दोनों में छह आ गया है इसका मतलब है कि किसमें छह नहीं आया होगा, आंसर है जीरो में छह नहीं आया होगा, तो q टू दी पावर 0। बेटा दो पासे हैं, दोनों में अगर छह आया है इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसा पासा नहीं है जिसमें छह नहीं आया हो, यानी कि q टू दी पावर 0 लेना पड़ेगा। 2c2 की वैल्यू वही होगी जो 2c0 की होगी, मींस 1। p टू दी पावर 2 इज 1/36, q टू दी पावर 0 इज 1, देन इट विल बिकम 1/36। हमने यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं निकाल ली हैं, अब हम इनसे प्रायिकता बंटन बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन क्या बनेगा आप देखें सभी। ये मैंने यादृच्छिक चर ले लिया, यहां उनकी प्रायिकताएं, यादृच्छिक चर के तीन वैल्यूज है मेरे पास, 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल्स आर 25/36, 25/36। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी 10/36, x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी 1/36। जल्दी से चेक करिए, 25, 10, 35 और 1 36/36, 1। सो और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हमें x की प्रत्याशा निकालनी है, x की प्रत्याशा का मतलब e ऑफ x। देयरफॉर x की प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब माध्य, तो प्रत्याशा को कैसे लिखेंगे, e ऑफ x लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वेयर आई स्टैंड्स, आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। कैसे कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, नंबर्स रैंडम वेरिएबल्स और उनके संगत प्रायिकताएं, 0 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 25/36 से, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10/36, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/36। सॉल्व करिए, दिस नंबर विल बिकम 0, प्लस 1 × 10/36, 10/36, प्लस 2 × 1/36, 2/36, 10 + 2, 12/36। मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी प्रत्याशा हमसे पूछी गई थी, और उसकी प्रत्याशा की वैल्यू 1/3 आई है, प्रत्याशा की वैल्यू 1/3 आई है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1/3। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11, एक्स के संभावित मान 0, 1, 2, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया, एक्स की प्रत्याशा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं यहां पर एक्स की प्रत्याशा का फॉर्मूला और
कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 1/3। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको काफी अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्रथम छह धन पूर्णांकों में से, प्रथम छह धन पूर्णांक, धन पूर्णांक बेटा आप जानते हैं वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रथम छह धन पूर्णांक कौन से होंगे? प्रथम छह धन पूर्णांक, तो प्रथम छह धन पूर्णांक कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पहले धन छह धन पूर्णांक हैं। प्रथम छह धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छया बिना प्रतिस्थापना के चुनी गई। इनमें से हमने एक बार में दो धन संख्याएं चुनी, सबको एक साथ नहीं लिया, दो धन संख्याओं को हमने एक साथ चुना बिना प्रतिस्थापना के, यानी कि चुनने के बाद उसको रखना नहीं है दोबारा उस ग्रुप में। आपको मान ले कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। बेटा सबसे पहले आज मैं इसका सैंपल स्पेस तैयार करना चाहता हूं, सैंपल स्पेस तैयार करना चाहता हूं मैं। उन्होंने बोला कि प्रथम छह धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छया चुनी गई हैं। ये छह धन पूर्णांक संख्याएं हैं, इनमें से कोई दो धन संख्याएं लेनी है हमको, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं करना। मतलब अगर आपने वन को सिलेक्ट कर लिया तो उस ग्रुप से वन हट ही जाएगा, फिर दोबारा वन को रखना नहीं है, मींस वन के साथ फिर से वन नहीं आ सकता। तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। 1, 2 1, 1 नहीं बनेगा। क्यों? मैं फिर से बता दूं, क्योंकि अगर ग्रुप में से आपने वन सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा वन रखना नहीं है ना आपको। अगर दोबारा रखना होता तो फिर से वन आने की संभावनाएं थी, तो उस समय 1, 1 हो सकता था, लेकिन अगर मैंने एक बार वन सिलेक्ट कर लिया तो क्योंकि वन मैं रखता नहीं हूं वहां पर, मुझे बचे हुए नंबरों से ही सिलेक्शन करना है, तो वन के साथ कभी वन नहीं आ सकता, वन के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, लेकिन 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, दीज आर नॉट अलाउड। अब 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। 3 की अगर बात करें तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 अलाउड नहीं है, 4 के साथ 5 आ सकता है और 4 के साथ 6 भी आ सकता है, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 6 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 अलाउड नहीं है बिकॉज रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है हमको, 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है और 6 के साथ 5 आ सकता है, बट 6 के साथ 6 अलाउ नहीं है, नहीं आ सकता क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे बेटा आप एक नजर देख सकते हैं टोटल कितने एलिमेंट मिले आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. The total number of elements will be 30. कुल अवयव 30 मिलेंगे आपको। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। तो मैंने पढ़ा था कि मान ले x दोनों संख्याओं में से
बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। यादृच्छिक चर x के बारे में एक जानकारी आपको दी गई है, मैं भी लिख देता हूं। यादृच्छिक चर x किसको व्यक्त करता है? सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिखूंगा। लिखा है मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको x के लिए लेनी है। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे, आप थोड़ा गौर करें बेटा। x के संभावित मान, अब आपको तो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उसको x वाले मान में लिखना है। जरा ध्यान से देखें, बड़ी संख्या अगर मैं देख रहा हूं तो बड़ी संख्या दो भी हो सकती है, मुझे बड़ी संख्या नोट करनी है, एक बड़ी संख्या नहीं है। इतने सारे एलिमेंट बने हुए हैं, आप चेक करिए कि क्या वन किसी भी जोड़े में बड़ी संख्या है। आंसर इज नो, या तो बड़ी संख्या दो हो सकती है, इस जोड़े में अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या तीन भी हो सकती है, बड़ी संख्या चार भी हो सकती है, बड़ी संख्या पांच भी हो सकती है और बड़ी संख्या छह भी हो सकती है। देखिए इसमें 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 और इसमें बड़ी संख्या छह है, ऐसा और भी बहुत सारी जगह है जहां पर बड़ी संख्या छह है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या मुझे लिखनी थी, तो बड़ी संख्या एक नहीं हो सकती, दो नंबरों में बड़ी संख्या दो तीन चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है। आप चेक करके देखें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दो संख्याओं में से एक बड़ी संख्या आ गई, कहीं नहीं मिलेगा आपको। x के संभावित मान ये मिले, अब इनके संगत मुझे प्रोबेबिलिटीज चाहिए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू जीरो नॉट सॉरी टू, जब x का मान दो है उस समय प्रायिकता। तो बेटा इसकी प्रायिकता के लिए हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कुल कितने एलिमेंट हैं, कुल है 30, 30 अवयव है टोटल। अब आप ये देखिए x का संभावित मान 2, x बराबर 2 होने का क्या मतलब है, बड़ी संख्या 2 होना। आप चेक करिए नहीं वे एलिमेंट्स में कहां कहां पर बड़ी संख्या 2 है। तो बेटा इसमें देखो यहां पर भी बड़ी संख्या 2 है, यहां पर भी बड़ी संख्या 2 है, क्या और कहीं पर बड़ी संख्या 2 है? आंसर है और कहीं भी बड़ी संख्या 2 नहीं है। तो कितनी जगहों पर बड़ी संख्या 2 मिली, दो जगहों पर, तो प्रायिकता क्या हुई 2/30। ओके नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 मींस तीन बड़ी संख्या है, तो प्रायिकता कितनी होगी, कुल कितनी परिस्थितियां है 3, 30। अब देखो कि तीन कितनी जगहों पर बड़ी संख्या है, तो बेटा तीन यहां पर भी बड़ी संख्या है, चेक करिए तीन यहां पर भी बड़ी संख्या है, तीन यहां पर भी बड़ी संख्या है और तीन यहां पर भी बड़ी संख्या है। कितनी जगहों पर तीन बड़ी संख्या मिली आपको, इस जगह पर तीन छोटी संख्या है, तीन छोटी है, तीन छोटी है, यहां पर तीन छोटी है, यहां पर तीन, यहां पर तीन, और कहीं मुझे तीन बड़ी संख्या नहीं मिली। ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर तीन बड़ी संख्या है, तो चार जगहों पर तीन बड़ी संख्या है, तो 4/30 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मींस जब चार बड़ी संख्या है उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले कुल कितनी परिस्थितियां है 30, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 30 हियर। अब देखिए कि चार कितनी जगहों पर बड़ी संख्या का रोल अदा कर रहा है, चार यहां पर भी बड़ी संख्या 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 है, चार है तो यहां पर भी लेकिन छोटी संख्या है, यहां छोटी संख्या, यहां छोटी संख्या, तो इतनी जगहों पर चार बड़ी संख्या है। कितनी जगहों पर, एक दो तीन चार पांच छह, छह जगहों पर चार बड़ी संख्या है, तो 6/30
एक्स इज इक्वल टू फोर की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू फाइव, कुल 30 परिस्थितियां मैं पहले ही लिख देता हूं। अब एक्स बराबर पांच का मतलब पांच बड़ी संख्या कितनी जगहों पर है, तो बेटा आप देखें यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है, यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है, यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है, यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है, यहां पर भी पांच बड़ी संख्या है। मैंने और भी चेक किया कि क्या पांच और भी कहीं पर बड़ी संख्या है, मुझे नहीं मिला। इसलिए पांच कितनी जगहों पर बड़ी संख्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ जगहों पर पांच बड़ी संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू फाइव 8/30 आ गई। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, जब छह बड़ी संख्या है इसकी प्रायिकता कितनी होगी, कुल अवयव है 30, छह कितनी जगहों पर बड़ी संख्या है, यहां पर, यहां पर, यहां, 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 आप चेक करिए बेटा, इन हर जगहों पर छह बड़ी संख्या है। तो कितने एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनमें हमें छह बड़ी संख्या मिल रही है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो देर आर 10 एलिमेंट्स वेयर 6 इज ग्रेटर देन द अदर, 10/30, सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू योर रैंडम वेरिएबल्स। ओके, अब हम इसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम बना देते हैं। मुझे यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस चाहिए, 5 बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 and 5, 4 and 5, ज्यादा बड़ा हो गया, इसे मैं छोटा बना लेता हूं ऐसे। हाँ, तो हमारे रैंडम वेरिएबल्स क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं इनकी जगहों पर हटा करके 2, 3, 4, 5, 6 लिख देता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, उनके संगत प्रायिकताएं क्या है, 2/30, 4/30, 6/30, 8/30, 10/30, 2/30, 4/30, 6/30, 8/30, 10/30, सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू योर रैंडम वेरिएबल्स। ओके, नाउ एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट में पढ़ूंगा, लिखा हुआ ई ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, ई ऑफ एक्स मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मींस एक्स की प्रत्याशा, एक्स की प्रत्याशा ई ऑफ एक्स। बेटा आप सभी इसका फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आईज वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 and up to n, ये प्रत्याशा का फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे ई ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो मैं इसको यूज करता हूं। क्या करना रहता है इस पे, आपको आपको यादृच्छिक चर और उनके संगत प्रायिकताओं को मल्टीप्लाई करके जोड़ना रहता है, तो यादृच्छिक चर और उनके संगत प्रायिकताओं को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आपस में जोड़ दीजिए, तो 2 is multiplied by 2/30 plus 3 is multiplied by 4/30 plus 4 is multiplied by 6/30 plus 5 is multiplied by 8/30 plus 6 is multiplied by 10/30। फिर से चेक करिए, 2 × 2/30, 3 × 4/30, 4 × 6/30, 5 × 8/30 और 6 × 10/30, कैलकुलेट करिए बेटा इसे, 2 × 4/30। क्या आपने इससे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया, चेक कर लेते हैं, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30/30, तो इससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, और अगर कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक नहीं होगी तो ई ऑफ एक्स भी करेक्ट ही आएगा, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। 4/30
12/30, 24/30 प्लस 8 पंचे 40/30, 60/30। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, 60 और 40 100 तो ये हो गए, 24 और 12 36 और 4 40 140 140/30। अब अगर आप 0 से 0 को कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आया 14/3 14/3, दिस इज अवर आंसर। E ऑफ x हमसे पूछा गया था और E ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले 6 धन पूर्णांक जिनका जिक्र हुआ था मैंने उनको लिख दिया। इसके बाद क्योंकि एक बार में मुझे कोई 2 धन पूर्णांक चाहिए बिना प्रतिस्थापन के, मैंने सैंपल स्पेस बनाया, यादृच्छिक चर की लैंग्वेज बुक से मैंने निकाली, संभावित मान लिए, उनके संगत प्रायिकताएं फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी तैयार किया और एक्स की प्रत्याशा का फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, मैं अब इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मान लीजिए 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को, हमने 2 पासे एक साथ फेंके हैं, उनमें जो संख्याएं मुझे मिल रही हैं उनके योग को x से व्यक्त किया गया है। 2 पासों की फेंक में प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया गया है, तो x का प्रसरण और मानक विचलन हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा मैं आपको याद दिला दूं, बिल्कुल सेम यही एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 पासे एक साथ फेंके गए थे और उनमें से प्राप्त संख्याओं के योग को यादृच्छिक चर लिया गया था, सेम यही एक्सपेरिमेंट हमारे एक एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था। मैं आपको याद दिला दूं, एग्जांपल नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27 आप बुक को पलट करके देख सकते हैं, सेम यही चीज उसमें भी थी। उसमें भी हमने 2 पासे लिए थे, 2 पासों की उछाल में पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग हमने एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो सेम एक्सपेरिमेंट, सेम रैंडम वेरिएबल, सारा कुछ वही करना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में पूरा नहीं बताऊंगा आपको, आप एग्जांपल नंबर 27, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में आपको पूरा डिटेल में बताया जा चुका है, तो मैं उसकी डिटेल नहीं करूंगा, मैं सीधे उसका प्रायिकता बंटन उठा लूंगा। बाकी उसके पीछे की सारी चीजें आप एग्जांपल नंबर 27 से ले सकते हैं, लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो 12 मेरा होगा उसमें सीधे मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाता हूं, मैं बाकी सारी चीजें नहीं करूंगा। आपको अगर देखना है तो आप एग्जांपल नंबर 27 जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ था आपको, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में से किसी पार्ट में आप चेक कर लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 27 लिखा होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीधे आ जाता हूं, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन वहां पर क्या बनाया गया था आप देखें सभी बच्चे, प्रायिकता बंटन में ऊपर मैं यादृच्छिक चर लिखूंगा और यहां नीचे उनके संगत प्रायिकताएं यूज करूंगा। अगर मैं 27 नंबर एग्जांपल से लिखता हूं तो मुझे जो प्रायिकता बंटन यहां पर मिलेगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 11 बॉक्स मैंने बना लिए। अब 2 से लेकर 12 तक हमारे यादृच्छिक चर हैं,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रोबेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36 एंड 6/36. 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36. तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें सेम वही रैंडम एक्सपेरिमेंट यूज किया गया है जो एग्जांपल नंबर 27 में यूज किया था। मैं यहां पर लिख देता हूं और एग्जांपल नंबर 27 को आपको पूरा डिटेल करवाई गई है, सब कुछ मैंने बताया। अब वहां से प्रायिकता बंटन तक मैं नहीं करूंगा, प्रायिकता बंटन में वहां से नोट कर लेता हूं, इसके आगे की बात मैं करूंगा। उन्होंने बोला इस क्वेश्चन में एक्स का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करिए आप। तो आपको बेटा एक्स का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या आपको ज्ञात करना है? एक्स का प्रसरण ज्ञात करना है और एक्स का मानक विचलन भी आपको ज्ञात करना है। मानक विचलन भी आपको ज्ञात करना है, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप सभी को बेटा पता होगा मुझे ई ऑफ एक्स चाहिए, ई ऑफ एक्स चाहिए। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, एग्जाम्पल नंबर 27 में इसका मीन भी आपको निकाल के दिखाया गया था, ई ऑफ एक्स की वैल्यू भी आपको फाइंड करके दिखाई गई थी। तो मैं उसको भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप इसको कैलकुलेट करिए। इसकी वैल्यू 7 आई हुई थी, तो मैं वहीं से इसकी वैल्यू 7 नोट कर लेता हूं। ये सारी चीज आप पिछले लेक्चर्स में देखिए। अब प्रसरण के लिए मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वेयर की भी जरूरत पड़ेगी। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि क्योंकि इसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 27 में कैलकुलेट नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर मींस सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। मींस इनके स्क्वेयर्स को इनसे मल्टीप्लाई करवाते जाइए, तो 2 का स्क्वेयर करेंगे 2 square multiplied by 1/36 प्लस 3 square multiplied by 2/36, 4 square × 3/36, 4 square × 3/36 प्लस 5 square × 5 square multiplied by 4/36 प्लस 6 square × 5/36, 7 square × 6/36, 8 square × 5/36 प्लस 9 square × 4/36 प्लस 10 square × 3/36 प्लस 11 square × 2/36 प्लस 12 square × 1/36। हमने इन सब के स्क्वेयर्स करके, सारे रैंडम वेरिएबल्स के स्क्वेयर करके और इनकी प्रोबेबिलिटीज से, उनकी करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसे आप सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1/36 तो 4/36। मैं थोड़ा सा इसे नीचे लिख देता हूं, 4/36 प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का गुणा 2 से 18/36 प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 अतियां 48/36 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 × 4, 25 चौके 100/36 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 × 5, 180/36 अब प्लस
सात का स्क्वायर करेंगे, 49, 49 गुणे 6 करना है, 49 गुणे 6, 6 नवैया 54, हंसी लगे 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294/36, 294/36 प्लस 7 का वर्ग गुणे 6 हो गया, ये आ गया 8 का वर्ग, 8 अटे 64 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 का 30 और 2 32, 320/36, 320/36 प्लस ये हो गया अब 81 गुणे 4, 9 नहीं 81 गुणे 4, तो 81 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 8 32, 324, 324/36। इसके बाद प्लस, मैं यहां लिख देता हूं प्लस, 81 गुणे 4 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 3, 300/36, 300/36 प्लस 11 का स्क्वायर 121 गुणे 2, 121 गुणे 2, 242/36 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 गुणे 1, 144/36। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करवा लिए। आप फिर से इसको सॉल्व करिए तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हमारे डिनोमिनेटर में सारे नंबर सेम है, न्यूमरेटर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ लेता हूं, 4 8 4 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 4 34 की 4 हासिल लगाया, 34 की 4 हासिल लगाया 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 2 27, 27 2 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 की 7 हासिल लगाए 3। अब 3 को जोड़िए, 3 1 4, 5 2 7, 3 10, 3 13, 3 16, 2 18 और 1 19, इनको हमने जोड़ा 1974/36, ये आया ई ऑफ एक्स स्क्वेयर। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर को आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या ये 6 से कट जाएगा, 9 1 10 7 17 4 21 कट जाएगा, 6 से काट दी, 6 4 36, 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 1 19, 17 हो गया, 6 2 12, 5, 6 9 54, फिर से देखें, 6 3 18, 1 19, 6 2 12, 5 17, 6 9 54, क्या अब तो ये मुझे नहीं लगता 6 से कैंसिल भी होगा, नहीं कैंसिल होगा, तो 9 2 11, 3 14, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो फिर आप इसे, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 6 5 30, 2 बच गए 29 हो गए, 6 4 24, 24 5 29, 5 बचे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 50 हो गए, 6 8 48, 2 बचे 20 हो गए, 6 3 18, फिर 2 बचे, अब यही आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 54.83, अप्रोक्सीमेटली 54.83 ये वैल्यू आ गई, ये यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब मुझे तो प्रसरण चाहिए, प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बच्चों, प्रसरण एक्स का प्रसरण, एक्स का प्रसरण मुझे कैलकुलेट करना है, और बेटा याद करिए प्रसरण को सिग्मा एक्स स्क्वायर से लिखा जाता था, प्रसरण को वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते थे। फॉर्मूला क्या होता था प्रसरण का, प्रसरण का फॉर्मूला होता था
ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, ये प्रसरण का फॉर्मूला होता था। तो हम इस फॉर्मूले पे वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वेरियंस ऑफ एक्स विल बी ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 54.83 माइनस ई ऑफ एक्स इज 7 स्क्वेयर करेंगे इट विल बिकम 49। आप माइनस कर दीजिए, तो जब आप माइनस करेंगे इसको आप 49.00 लिख सकते हैं, तो माइनस करेंगे 0.83 तो आ ही जाएगा। अब 54 में से 49 माइनस कर दीजिए, तो 54 में से 49 माइनस करेंगे ये 5 आ जाएगा। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें मुझे प्रसरण और मानक विचलन दोनों निकालने थे, मैंने प्रसरण निकाला हुआ है और प्रसरण की वैल्यू आई है 5.83। लेट मी चेक द आंसर, एक्सरसाइज 13.4 और क्वेश्चन नंबर 13 का वेरिएंस आया है 5.83। ओके, तो वेरिएंस तो हमारा सही आ गया। अब इसके साथ मुझे मानक विचलन भी चाहिए, तो बेटा मानक विचलन के लिए मानक विचलन का कैलकुलेशन आप सभी बच्चों को करना है। क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको याद दिला देता हूं, मैं यहां देखिए लिखे देता हूं, एक्स का मानक विचलन, एक्स का मानक विचलन जिसे केवल सिग्मा एक्स लिखते थे, फॉर्मूला क्या होता था, वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है 5.83। आप इसका स्क्वेयर रूट निकाल देंगे, आपको मानक विचलन की वैल्यू पता लग जाएगी। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं चेक करके, मानक विचलन आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.415। दिस विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बेटा आपको करनी है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बिल्कुल सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जांपल नंबर 27 की तरह था, तो मैंने आगे का कोई भी हिस्सा यहां यूज नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा 27 नंबर एग्जांपल से नोट कर लिया है, प्रायिकता बंटन और उसका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला था वो भी, इसके आगे का कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आप इसे नोट कर लीजिए और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखेंगे, एक्सरसाइज 13.4 के 13 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। 13 नंबर के बाद आगे इसमें 14, 15, 16 एंड 17, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर पर कर लेंगे। आप इसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि आपको ये याद बना रहे और आपसे कहीं भी मिस्टेक होने पर आप इसके हेल्प ले सकें। तो आज हम इतना ही रखते हैं 13th नंबर तक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, थैंक यू।